हेलो बनारस, एक और सुबह ने दे दी है दस्तक और हम चले आए हैं आपसे मिलने। और बनारस, जब हम आपसे मिलते हैं तो हमारा दिन बन जाता है कुछ खास, और इस खास होने की वजह है हमारी और आपकी बॉन्डिंग। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने हमारे संबंध को बिगाड़ना शुरू कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है एंगर इशू। जी हाँ बनारस, आज के टाइम में गुस्सा एक ऐसा फैक्टर है जिसका वास्ता हर किसी से पड़ ही जाता है, या यूं कहें कि गुस्सा एक ऐसा विलन बन चुका है जो हमारे हर रिलेशन को दीमक की तरह चाट रहा है। और बनारस, इस गुस्से की ना सबसे खास बात यह है कि यह ना सिर्फ अपनों को ही शिकार बनाता है, मतलब ये कि इसके चपेट में सिर्फ अपने खास रिश्ते आते हैं जिन्हें आप बहुत सहेज कर रखना चाहते हैं। सच बनारस, गुस्सा आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। लोग जरा जरा सी बात पर इस कदर इरिटेट और गुस्सा होकर अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं जिसे बनाने में बरसों बरस लग जाते हैं। दोस्तों, ये रिश्ते ना बड़े अनमोल होते हैं जो बड़े ही मुश्किल से बनते हैं। इन्हें सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। बस ये जान लीजिए कि इन्हें बचाने की जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं उठाते तो ये बहुत दिन तक चलने वाले नहीं है। ऐसे में बस जरूरत है कि आप और हम अपने एंगर इशू पर काबू रखें, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़कर रिश्तों को सहेज कर रखना शुरू करें। और हाँ, इस काम की शुरुआत करने की ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम युवाओं पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस, जिसे लेकर हाजिर है आपका यारों का यार कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। सच बनारस, देश का युवा आगे बढ़ चुका है। उसने ठान लिया है कि अब जो भी करना है सच्चा और अच्छा करना है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी देश पर कोई प्रॉब्लम्स आए हैं, सबसे आगे देश का युवा ही खड़ा हुआ है। युवाओं की इसी सोच को देश के डेवलप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर इस वक्त बनारस में Y20 समिट प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, जहां दुनिया भर के युवा अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। कल इसी मौके पर उद्घाटन समारोह में हिस्सा बनने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारे युवा आने वाले समय के नीति नियंता हैं और इसीलिए विश्व मानवता के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में किए जा रहे विमर्श में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। G20 के अंदर Y20 का आयोजन वास्तव में इस पूरे आयोजन की प्रासंगिकता को भी आगे बढ़ाता है। यह सम्मेलन इस वैचारिक यात्रा की प्रणति का प्रतीक है जो दुनिया के सभी कोनों से आए हुए युवाओं के सामूहिक प्रयास से कई माह पूर्व प्रारंभ की गई, और यह पहली बार नहीं हुआ है। अपने युवा साथियों के बारे में सोचता हूं और जब मुझे कहीं से लगता है कि लोग हमारे युवाओं के इस पोटेंशियल पर, उनकी प्रतिभा पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे स्वयं उस समय दुख होता है। दुख इस बात को लेकर के होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा से समाज को एक नई दिशा न दी हो। और आज जब G20 के इस समिट में Y20 का यह समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है, जो 5 थीम इस अवसर पर दुनिया भर से आए हुए युवा प्रतिनिधियों ने तय किए हैं, ये वास्तव में दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ जोड़ते हुए जो एक संदेश है दुनिया के सामने, उस संदेश को जोड़ने का, उस संदेश के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। G20 के समिट में, Y20 का यह समिट, जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है, ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता है और कल का निर्माता भी है। उस युवा शक्ति को हम सब उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। Y20 का यह समिट इस देश से अत्यंत फलदायी साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश का आपका प्रवास दुनिया भर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का संदेश देकर के जाएगा। इस विश्वास के साथ Y20 के समिट के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।
Y20 समिट में पधारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है और जल्द ही भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो पाएगा, जिसकी शुरुआत नव्य, भव्य और दिव्य काशी से शुरू हो रहा है। वाराणसी हैज अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस डायनेस्टीज एम्पायर्स एंड रिलीजन्स दैट रूल्ड एंड वेस्टेड द सिटी। It is a city of learning, literature, art and music, especially the Hindustani classical music, the Indian classical music of the Banaras Gharana. It is also famous for its temples, ghats, festivals and rituals that attracts millions of tourists from across the world every year. Some of the notable landmarks being the Kashi Vishwanath Temple and the Ramnagar Fort, and the Sarnath Museum, which you all visited yesterday. Varanasi is renowned for its silk weaving, pottery, metalwork, and wood carving industries, which produce exquisite handicrafts and the souvenirs. It is fitting in a way to have the Y20 final summit at this divine and historic city, which date back centuries as we talk about the issues and the challenges faced by the youth. And how can we propose solutions to them which are effective for the years to come? The Y20 brings together young people from diverse nations, each facing unique economic, social, and environmental problems or challenges. The challenges that are not limited to a single country or region, they are shared by all of humanity. The Y20 summit provides a platform for these young people to work together, find common ground and devise collective solutions to tackle these global challenges. Y20 के बारे में बताते हुए निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि Y20 भी G20 के आधिकारिक सहभागिता समूहों में से एक है। इसमें G20 देशों के 600 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। लोकतंत्र और शासन में युवाओं की भूमिका विषय पर विमर्श होगा। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन दुनिया भर से आए प्रतिभागियों को सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगा, साथ ही युवाओं के लिए विकास का नया मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आपकी वाणी आकाशवाणी पे आपने ट्यून किया है गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 19 अगस्त और दिन है शनिवार का। तो चलिए चलते हैं इतिहास की ओर और देखते हैं आज के दिन ने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है। उन्नीस अगस्त के इतिहास की खास घटनाओं की बात करें तो साल 1757 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में 1 रुपए का पहला सिक्का बनाया था। कंपनी द्वारा बनाए सिक्के को बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया था। वर्ष 1949 में आज ही के दिन भुवनेश्वर शहर को उड़ीसा का राजधानी बनाया गया था। संचार उपग्रह सिनकोम 3 का प्रक्षेपण आज ही के दिन सन 1964 को किया गया था। बनारस आज जन्म लेने वाले खास लोगों की बात करें तो प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में आज ही के दिन हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का जन्म आज ही के दिन सन 1908 में हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म आज ही के दिन 1918 को हुआ था। और आज के दिन हमें छोड़कर जाने वाले खास व्यक्तियों की बात करें तो भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार खयाम साहब हम सबको छोड़कर आज ही के दिन 2019 में चले गए थे। फिल्मों के जाने माने कलाकार उत्पल दत्त जी भी हम सबको आज ही के दिन सन 1993 में छोड़कर चले गए थे। बनारस आज मनाने वाले दिवस की बात करें तो आज के दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवीय दिवस मनाया जाता है। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो किसी भी खूबसूरत चीज या नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना पसंद करते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस उन सभी फोटोग्राफर्स को समर्पित है जिन्होंने अपनी कला से दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया। और दुनिया में ऐसे कई फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने इस कला को अपना पेशा बना लिया, जो अपने कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें खींचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फोटोग्राफी और कुछ नहीं बल्कि लोगों
आपके लिए अपने हुनर दिखाने का एक मौका है। जो लोग अपनी बात शब्दों के जरिए बयां नहीं कर पाते, वो चित्रों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से अपनी बातों को बयां करते हैं। और बनारस आपको बता दें कि विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 1837 से फ्रांस से हुई और इसकी शुरुआत की जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगर ने। और बनारस आपको बता दें कि 19 अगस्त को ही दुनिया भर में विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानवीय कार्यों में शामिल व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसे मानवतावादी वॉलंटियर्स के योगदान का जश्न मनाने के लिए भी मनाया जाता है जो किसी उद्देश्य के लिए लगातार काम करते हैं। इस दिन उन वॉलंटियर्स को भी श्रद्धांजलि दी जाती है जो काम के दौरान हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए या फिर घायल हो जाते हैं। तो बनारस ये रही आज के इतिहास की कुछ खास बात, और अब करते हैं देश दुनिया और शहर बनारस की बात। बनारस चंद्रयान 3 ने एक और अहम चरण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही ये चांद के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की डीबूस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। अब यह यान चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल LM की स्थिति सामान्य है। अब लैंडर विक्रम के 23 अगस्त बुधवार को चांद की सतह पर उतरने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बनारस, बस आप ये प्रे कीजिए कि सब कुछ सही रहे और हमारा इंडिया चांद पर कामयाब होने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाए। और बनारस आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल सीटेट एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन किए हैं, वो सीटेट.nic.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र चेक करें और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बनारस भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी एक खास बात आपको बताएं तो भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान वित्त वर्ष में देश भर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की इस समय देश भर में 22,405 शाखाएं हैं। वहीं इस बैंक की विदेश में 235 शाखाएं और कार्यालय काम कर रहे हैं। और बनारस, जो बाढ़ की स्थिति खराब हुई है उसे ध्यान में रखकर केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और बनारस खेल से जुड़ी बातों की चर्चा करें तो अजरबैजान के बाकू में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में तुर्की को 16-10 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय पहलवान प्रिया मलिक की बात करें तो जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में आपने 76 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और बनारस, सावन के सोमवार में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए दर्शकों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु दिन ब दिन बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। और बनारस आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 100 से ज्यादा बार दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ जी जब भी काशी आते हैं, अमूमन हर बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। और बनारस आपको बता दें कि जगत कल्याण की कामना के लिए कार्तिक मास में पहली बार 1 करोड़ पार्थिवी शिवलिंगार्चन होगा और वाराणसी के लोग इसके साक्षी बनेंगे। 19 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन शिवाला घाट स्थित चेत सिंह किला में होगा। इसमें दक्षिण भारत के लाखों श्रद्धालु वाराणसी आएंगे। इस आयोजन को विश्व रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, ये रही देश। तो बनारस आज बस इतना ही। चलते चलते बस यही कहूंगा कि दुनिया भर के मेहमान Y20 के लिए शहर बनारस आए हुए हैं, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आज है हरतालिका 30, तो लेडीज डिपार्टमेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल है pkld@varanasi.gmail.com। तो बनारस चलते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, अपने दोस्त कमलेश को दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। तो बनारस बाय बाय।